हेलो फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। प्रेम की 3 के मूवी रिव्यू में आपका स्वागत है। हर बार की तरह स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स सब की बात करेंगे डिटेल में। प्रेम की 3 मूवी किस बारे में है? प्रेम जो कि एक राजा का बेटा है, भाई की कुंडली में ही लिखा हुआ है कि ये बंदा राज करेगा, लेकिन कहां पर? यहां पर, लोगों के दिलों में। प्रेम का परिवार और बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही खूंखार टाइप का है। अब गीत है एक छोटे से गांव की आम लड़की। प्रेम और गीत का दिल बचपन से जुड़ा हुआ है। अब क्या कनेक्शन है ये आप मूवी में देखना। लेकिन कुछ हालातों ने उनको बचपन में अलग कर दिया था, लेकिन फिर वही हालातों ने उनको साथ में लाकर खड़ा कर दिया है। कैसे, ये भी आप मूवी में देखना। प्रेम भाई की कुंडली में एक और चीज बहुत ही साफ लिखी हुई है कि एक दिन प्रेम को राज गद्दी या फिर प्रेम में से, यानी कि प्यार में से किसी एक को चुनना होगा। अब ये प्रेम की किस्मत समझो, बदकिस्मत समझो, जो भी समझो, लेकिन ये दोनों चीजें उसको साथ में नहीं मिल सकती है, इस जन्म में तो नहीं मिल सकती है। और भाई की गर्लफ्रेंड जो है, गीत जो है, वो भी यही चाहती है कि उसे रानी नहीं बनना है। वो चाहती है कि प्रेम भी उसी की तरह एक छोटे से गांव में आम जिंदगी जिए। लेकिन प्रेम क्या चाहता है और जो भी चाहता है, ऐसा क्यों चाहता है, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं। क्योंकि प्रेम का यही फैसला इस फिल्म का हार्ट है। राजनीति और लव स्टोरी के क्लैश में कौन जीतेगा? क्या प्रेम सच में गीत से प्यार करता है या फिर यहां पर भी कोई राजनीति है? और अगर वो गीत से सच में प्यार करता हो, अरे बहुत ज्यादा प्यार करता हो, लेकिन फिर भी प्यार के चक्कर में भविष्य का राजा का अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देना, राजगद्दी को ठुकरा देना, या फिर अपनी प्रजा जिनको उसके अंदर एक उम्मीद दिखती है उनके सर से अपना हाथ हटा लेना, इतना बड़ा फैसला प्रेम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये तो थोड़ी बहुत बात हो गई कहानी के बारे में। अगर मेकिंग की बात करें, उसमें भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें, तो BGM एंड सॉन्ग्स, स्पेशली जुबिन नौटियाल और राह साहब के गाने मैजिकल। सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक्टर्स का परफॉर्मेंस। प्रदीप खड़का एंड क्रिस्टीना गुरुंग ने अपना 100% दिया है। बाकी एक्टर्स ने भी अपने किरदारों को प्रॉपर जस्टिफाई किया है। थर्ड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इस मूवी का एक्शन, वो भी कम से कम VFX में। मुझे एक्शन कोरियोग्राफर का नाम पता नहीं है इस मूवी के, लेकिन सारे सीक्वेंसेस कमाल के हैं। बिना VFX के ऐसे एक्शंस को एग्जीक्यूट करना एक्टर्स, फाइटर्स और कैमरामैन के लिए बहुत ही टफ टास्क होता है। ऐसे एक्शंस के अंदर सारा खेल टाइमिंग्स, कैमरा एंगल्स और एक्टर्स के पोस्चर्स का होता है। देखो, फाइट मास्टर तो एक्सप्लेन करके चले जाते हैं कि यहां से ठूक ठाक ये वो, लेकिन उस शॉट को स्क्रीन के ऊपर लाना प्रॉपर फील के साथ, प्रॉपर एक्सप्रेशंस के साथ, इस टास्क के अंदर एक्टर के ऊपर काफी प्रेशर होता है। एक शॉट के अंदर प्रदीप खड़का को पैर में बहुत ही गहरी चोट आई थी, बर्फ के पहाड़ों में शूट, प्लस डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि 15 दिन प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा, चल भी नहीं सकते हैं। अब रनिंग शेड्यूल के अंदर, मूवी के अंदर एक दिन का ब्रेक ऐसे एकदम से ले लेना, ये पॉसिबल नहीं होता है। पूरा शेड्यूल बर्बाद हो जाता है, जिसके अंदर टाइम, पैसा, एनर्जी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और ऐसे हालातों में जरूरत पड़ती है एक्टर के डेडिकेशन की, और इस बंदे ने उस चोट के साथ शूट कंटिन्यू किया था, इंक्लूडिंग एक्शंस, जिसके लिए बड़ा वाला सैल्यूट है। फोर्थ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, फिल्म के अंदर नेचुरल लोकेशंस जो है वो बड़े पर्दे के ऊपर गजब लग रहे हैं। अब बात करेंगे वीक पॉइंट्स की, जो थोड़े से कड़वे हैं, लेकिन जो है सो है। फर्स्ट हाफ के अंदर कहानी बहुत स्लो है, बोर भी कर सकती है, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर कहानी का ग्राफ ऐसे जाता है 90 डिग्री पर। फर्स्ट हाफ की सारी कसर को सेकंड हाफ पूरा कर देगा। कहानी रफ्तार पकड़ेगी, बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। इमोशंस है, बहुत सारा एक्शन है, और क्लाइमैक्स के अंदर प्रदीप खड़का और क्रिस्टीना गुरुंग के एक्सप्रेशंस आपको यहां पर सीधा टच करेंगे। सेकंड वीक पॉइंट, इसको वैसे प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं, जो कि है फिल्म का बजट। 3 से 4 करोड़ रुपए के अंदर ऐसी फिल्म बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो इस बजट के हिसाब से देखें तो ये कमाल का क्रिएशन कह सकते हैं। क्योंकि इस बजट के अंदर ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए क्रिएटिविटी लेवल बहुत हाई रखना पड़ता है। लाखों करोड़ों रुपए का शॉट उसी फील के साथ हजारों रुपए के अंदर स्क्रीन पर कैसे आ सकता है, इस टास्क को डायरेक्टर ने बखूबी निभाया है। तो फर्स्ट इंडो नेपाली मूवी की एक बढ़िया शुरुआत कह सकते हैं। उम्मीद है कि अगर प्रेम गीत 4 बने तो इंडस्ट्री की तरफ से मेकिंग और बजट में इस टीम को सपोर्ट मिले। तो कुल मिला के क्रिएटिविटी के दम पर बनी ये मूवी प्रेम की 3 आपको एंटरटेन करेगी, लेकिन क्रिएटिविटी को आप खुद में भी डेवलप करके पैसे कमा सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको कोई अंदाजा है कि मीम्स की दुनिया और उसका फ्यूचर कितना बड़ा है? पहले लोग इस काम को शौक से करते थे, लेकिन अब ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन बन गया है। तो क्या स्कोप्स है इस प्रोफेशन के अंदर, क्या हिस्ट्री है इसकी, और सबसे बड़ा सवाल कि आप कैसे इस स्किल को खुद में डेवलप करके अपना करियर बना सकते हैं, ये आसान भाषा में समझने के लिए एक ऑडियो बुक जरूर से सुन लेना, हाउ टू अर्न बाय मेकिंग मीम्स। कुकू FM पर इसकी ऑडियो बुक आ गई है हिंदी में, सुनो और आगे बढ़ो। वैसे कुकू FM की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की फीस होती है 399 रुपीज, लेकिन अगर आप JT50 ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन 199 रुपीज में मिल जाएगा। ये कोड पहले 250 लोग ही यूज कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट आउट।